हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईबॉल स्लाइड i701 का विंडोज 10 का फुल वर्जन का टैबलेट। ये टैबलेट की जो कीमत है वो है 4600 रुपीस। जी हाँ, और ये एक बजट टैबलेट है। एक्चुअली ये टैबलेट जो है वो विंडोज का फुल वर्जन के साथ आता है, यानी कि विंडोज 10 32 बिट के ऊपर चलता है। और यहाँ पे इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एक्चुअली ये टैबलेट जो है वो एक साल पुराना टैबलेट है। ये लास्ट ईयर मैंने लिया था, तो मैंने ऐसे ही रखा उसको। बॉक्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा, सारे कंटेंट भी इसके अंदर आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो बहुत से लोगों को पता नहीं था कि एक बजट टैबलेट भी है 4600 रुपीज के अंदर, जो हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने देता है, वो भी फुल वर्जन, यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो उसको आप एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपको इस तरीके का बॉक्स कंटेंट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज इंटेल इनसाइड लिखा है। आईबॉल स्लाइड राइट साइड में आप देख सकते हैं टैबलेट पीसी। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है i701, परफॉर्मेंस लिखा है विंडोज टैबलेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट में नीचे की तरफ लिखा है फ्री बंडल वर्थ 1199, यानी कि 1200 रुपीज का बंडल आपको मिलता है। वो है HDMI केबल, और वो आपको साथ में मिलता है 3 कलरफुल कवर्स, वो आपको अंदर हम दिखा देंगे। यहाँ पे विंडोज 10 HD का डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का, आपको 17.78 सेंटीमीटर वाला। 1 GB की आपको रैम मिलती है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के भी एक्सपांड कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप बॉक्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन है। प्रोसेसर आप देखेंगे यहाँ पे इंटेल का एटम प्रोसेसर Z3735 का कोड कोर का प्रोसेसर 1.3 का गीगाहर्ट्ज पे। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी यहाँ पे 1 GB का आपको मिलती है DDR3 की, 16 GB स्टोरेज। माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं आप 64 GB तक का। तो माइक्रो एसडी कार्ड जब लगाते हैं तो वो एक एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह काम करता है, जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है। डिजाइन एंड डिस्प्ले यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया मल्टी टच है। 7 इंच का आपको एचडी का मिलता है 1024x600, लेकिन डिस्प्ले जो है वो 1280x800 मैं आपको वो बताता हूँ वो ऐसे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 1024x600 दिखा रहा है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन थोड़ी हाई है। बैटरी जो है वो 3200mAh की पॉलीमेयर बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है। 2 MP का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो वो VGA का रिकॉर्डिंग का है, म्यूजिक वीडियोस वगैरह आपको मिलता है प्ले करने के लिए। वाईफाई, माइक्रो USB पोर्ट, मिनी HDMI पोर्ट, ब्लूटूथ भी साथ में आता है, USB OTP फंक्शन होता है, और 3G है ये। तो ये वॉइस कॉलिंग नहीं है, आपको सिर्फ वाईफाई और 3G यूज करने मिलता है डोंगल के ऊपर। बाकी सारे यहाँ पे डिटेल्स कुछ मेंशन खास नहीं है। यहाँ पे साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस और इसका जो मॉडल नंबर मेंशन है। प्राइस एक्चुअली जो यहाँ पे 5200 रुपीस मेंशन। इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन होता है और सामने की तरफ हमारा जो आईबॉल i701 का टैबलेट आता है इस तरीके का आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे करीना कपूर का ऑटोग्राफ है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाकी इसका जो एक फिजिकल हुआ आपको मैं देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ, देखते हैं बॉक्स में जो क्या कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको 3 प्रोटेक्टिव कवर मिलते हैं, तो इस तरीके के आपको एक फनी कवर मिलते हैं। ये यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे होते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 बैक कवर मिलते हैं, जिसको हम लगा के देखेंगे कि कैसे जो मोबाइल के अंदर फिट होते हैं। इस तरीके के आपको 3 केस ऐसे इस तरह के मिल जाते हैं। और ये मिलता है हमें USB OTG केबल, तो बहुत अच्छी बात है कि USB का OTG का केबल जो आपको इसी के साथ में मिलता है, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेनड्राइव वगैरह डायरेक्टली जिसको ना कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें USB OTG का USB का 3.2.0 का डायरेक्ट पोर्ट नहीं मिलता है आपको इसलिए। और क्या कुछ हमें मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ मेजर मैनुअल वगैरह मिलता है। ये आपको क्लॉथ है स्क्रीन को क्लीन करने का। और यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, ये कुछ वारंटी गाइड्स और कुछ यूजर मैनुअल आप यहाँ पे यूज करके जो उसको देख सकते हैं। आप सोच रहे हो कि चार्जर कहाँ गया? चार्जर एक्चुअली मेरा जो एक छोटा नेफ्यू है वो लेके चला गया है, तो वो चार्जर हाथ में लेके पकड़ा था ऐसे और मुझे दे ही नहीं रहा था, तो वो चार्जर लेके चला गया। तो वहां पे तो ब्लैक कलर का स्टैंडर्ड चार्जर आपको जो वो मिलता है डायरेक्टली, आप अपने आईफोन या अपने एंड्रॉइड के कोई भी फोन से जो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी का केबल जो चलता है वो चलता है। यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये जो HDMI का केबल है आपको जैसे साथ में मिलता है, यहाँ पे लिखा 1.4 वाला मिनी केबल। ये जो है आप अपने टैबलेट में लगा सकते हैं, दूसरा जो पोर्ट है वो अपने टीवी में डायरेक्टली लगा के जो देख सकते हैं। जी हाँ, तो आप अपने जो टैबलेट में छोटी स्क्रीन में देखेंगे वही सेम चीज आप जो वो टीवी में भी देख सकते हैं। तो ये HDMI केबल जो इसके साथ में आपको जो मिलता है। तो अब हमारे टैबलेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईबॉल का स्लाइड i701 कितना जो वो पावरफुल और कितना हद तक जो वो चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 स्टैंडर्ड माइक्रो USB पोर्ट, जैसे कि आप नॉर्मली जो हम एंड्रॉइड के फोन में जो मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो HDMI पोर्ट आपको मिलता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप HDMI केबल डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने टीवी में कनेक्ट करके वहां पर डायरेक्टली जो वो देख सकते हैं। ये एक रीसेट पिन आपको मिलता है, यहाँ पे कोई भी पिन आपको एंटर करके आपका टैबलेट को डायरेक्टली आप जो रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। लेफ्ट की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो HD कार्ड का स्लॉट मिलता है इस तरीके के, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा TFT कार्ड।
उसके बाद नीचे यहाँ पे लेफ्ट में कुछ भी नहीं मिलता आपको, राइट में आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है, ये जो है वो पावर बटन है और यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम बटन मिलते हैं। पीछे की तरफ आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको 2 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग का कैमरा मिलता है इस तरीके का। करीना कपूर का ऑटोग्राफ है, बार बार मुझे पता नहीं क्यों दिख जाता है। इंटेल यहाँ पे इंटेल इनसाइड लिखा है। ये है यहाँ पे स्पीकर, तो यहाँ से आपको माइक जो मिलता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली ये जो होल है मुझे पता नहीं है किस चीज का है, ये जब यूज होगा तो ही पता चलेगा ये क्या है। अब जो हम इस लैपटॉप टैबलेट को जो है वो ऑन कर लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे पावर बटन हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं। तो टैबलेट जो है वो बूट अप हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग से कुछ 5 से 10 सेकंड का टाइम लिया बूट होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पे पहले आपको डिस्प्ले दिखा देते हैं, डिस्प्ले आपको जैसे कि बता देता हूँ, यहाँ पे TFT का आपको यानी कि कोई हाई क्वालिटी का IPS का LCD डिस्प्ले नहीं मिलता है, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स एकदम भी आप ज्यादा एकदम से यूं कर लेते हैं तो फेड हो जाता है। तो यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक आपको डिस्प्ले कुछ इस तरीके का मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का आप ऊपर की तरफ से अगर आप मैं डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ और नीचे की तरफ से करता तो एकदम से फेड हो जाता है। तो डिस्प्ले एक ओके डिस्प्ले आपको मैं कहूंगा, एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, गुड मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे आपको ऐसा मिलता है। और सबसे पहली चीज आप यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, टच स्क्रीन है आपको जैसे कि बता देता हूँ। यहाँ पे हम विंडोज का इधर आ देते हैं, आप देख सकते हैं ये विंडोज 10 का जैसे हमें मिलता है उस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर में चले जाते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं इस लैपटॉप की क्या जो स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपके सामने क्लियरली आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 होम ऊपर की तरफ लिखा है, मैन्युफैक्चरर आईबॉल और प्रोसेसर जैसे आपको मैंने बताया था इंटेल एटम Z3735 का प्रोसेसर है। 1 GB आपको रैम मिलती है, 32 बिट का आपको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो विंडोज एक्टिवेटेड लिखा है, यानी कि फुल वर्जन आपको विंडोज स्क्रीन में देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे हम और कुछ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो 64 GB का माइक्रोएसडी कार्ड है तो वो भी हम इसमें लगा के देख लेते हैं कि माइक्रोएसडी कार्ड ये जो सपोर्ट करता है जो नहीं करता है वो भी पता चलेगा। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी यहाँ पे बैकअप मुझे बहुत अच्छा दे रहा है, मैंने बहुत यूज किया उस टैबलेट को, कभी कभी यूज करता था, ज्यादा टाइम यूज नहीं करता था लेकिन बॉक्स पे था, लेकिन जब मैं यूज करता था मूवीज वगैरह देखता था तो मुझे काफी अच्छी बैटरी बैकअप इसके अंदर मिलती थी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम जो इसके अंदर इंटरनल एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं मैंने वाईफाई कनेक्ट करके रखा हूँ। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो मेरा जो यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं कनेक्टेड है, तो हम जो है वो गूगल क्रोम में यहाँ पे इस तरीके से डबल टैप करके चले जाते हैं। आप जो है वो यहाँ पे माउस का एप्लीकेशन मिलता है, एक्चुअली ये गूगल में आपको मिलेगा फ्री है, तो इस तरीके से आपको टच स्क्रीन का माउस भी मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको टच स्क्रीन से आप ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो आप जो वो माउस भी ऑन स्क्रीन यूज कर सकते हैं, हालांकि आप जो वो USB OTG लगा के एक्सटर्नल चीजें भी कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जो यूट्यूब में चला जाता हूँ, गूगल क्रोम यहाँ पे देखिए खुल गया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम टैप करते हैं और यूट्यूब आ जाता है। यहाँ पे हम वाइड लिख देते हैं और YouTube जो है वो टैप कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट का यहाँ पे कितना ड्यूरेबिलिटी इसका फास्ट है और कितना अच्छा। तो एक देख सकते हैं आप इंटरनेट जो ओपन हो चुका है तो काफी स्मूथ है, टच स्क्रीन इसका काफी स्मूथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का आपको टच स्क्रीन मिलता है और सारे वीडियो जो उसने फटाफट जो रेंडर कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे हम जाते हैं हमारे चैनल पे और देखते हैं क्या कुछ हमारे चैनल पे चल रहा है। यहाँ पे इसका चैनल ट्रेलर भी ओपन हो गया, क्या बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे चैनल पे हम आ गए और कोई भी एक वीडियो यहाँ पे इस तरीके से हम जो वो प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो अच्छे से प्ले हो गया है और तो वॉल्यूम हम यहाँ पे रेड कर सकते हैं और यहाँ से हम वॉल्यूम जो नीचे की तरफ जो है वो 9600 पे चल रहा है। तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप जाएंगे, गूगल ड्राइव की लिंक है, वहाँ से आप वॉल्यूम काफी अच्छी है दोस्तों। एक बात मैं कहना चाहूंगा इसकी, तो यहाँ से वॉल्यूम जो आप कम भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम जो कम कर सकते हैं। तो वीडियो काफी अच्छा चल रहा है, फुल स्क्रीन करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि वीडियो वगैरह के लिए मूवीज वगैरह के लिए ये जो टैबलेट है काफी अच्छा है, थोड़ा सा हम इसको बंद कर देते हैं और हम जाते हैं हमारे फोन के अंदर। अगर यहाँ पे कोई मूवीज वगैरह होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मूवी सेव करके रखा हो तो डायरेक्टली VLC में प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा था फुल वर्जन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल वर्जन का मूवी हम डायरेक्टली प्ले कर रहे हैं इस तरीके से। ये पता नहीं कौन सी मूवी है जो मेरे कजिन ने इसमें सेव करके रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूवी यहाँ पे जो प्ले हो गई है। इस तरीके से आप उसका व्यूइंग एंगल्स भी यहाँ पे जो देख सकते हैं। और माई कंप्यूटर में यहाँ पे हम जाते हैं और हम जो उसके अंदर 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा के वो देख सकते हैं। तो 16 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, उसके अंदर जो फर्स्ट बूट करता है आपको 8 GB का जो है वो स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे 1.18 GB आपको फ्री दिखा रहा है क्योंकि काफी कुछ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, इसके लिए आपको फर्स्ट बूट के अंदर कुछ 7 से 6 GB के आसपास जो वो फ्री मिलता है। तो मेमोरी कार्ड आपको इसके अंदर आपको इस तरीके से डालना है, यहाँ पे आपको 64 GB का कार्ड लेना है, सीधे की तरफ आपको रखना है और यहाँ पे आपको अंदर की तरफ जो उसको प्रेस करना है इस तरीके से।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेमोरी कार्ड जो वो रीड कर लिया 59.6 GB, यानी कि 64 GB का ये मेमोरी कार्ड है और ये बहुत जल्दी रीड कर लिया है। और अपन इसे जो ओपन कर, आपको जैसे कि कहा था, एक नया ड्राइव बन के इसके अंदर ओपन हो जाता है, तो ये मेमोरी कार्ड मेरा ओपन हो चुका है। और मेरे कोई भी पता नहीं, मेरे डैडी तो क्या क्या सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड से मैं डायरेक्टली वीडियो जो है यहाँ पे प्ले कर दिया हूँ। तो मेमोरी कार्ड जो यहाँ पे सपोर्ट करता है 32 बिट का, इसके अंदर जो आपको मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसके अंदर जो वो मेमोरी कार्ड के अंदर भी जो 32 बिट के गेम जो सपोर्ट्स होते हैं आप इसमें खेल सकते हैं। जी हाँ, मैंने इसके अंदर बहुत पहले जो वो 32 बिट के गेम खेला था, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला था, तो गेम अच्छा चल रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे USB OTG से अपना जो वो कंट्रोलर को यहाँ पे कनेक्ट किया था और इसके अंदर जो वो गेम खेला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB OTG आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये मेरा पेन ड्राइव बहुत साल पुराना है, पता नहीं फंक्शन होगा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ मेरे पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर चुका हूँ, तो मेरा पेन ड्राइव भी यहाँ पे आपको जो वो शो कर रहा है। इस तरीके से रिमूवेबल डिस्क देख सकते हैं, 1 GB का पेन ड्राइव है। तो इस तरीके से आप जो है वो कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। एक आपको अच्छा खासा 4,600 रुपीज में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4,600 रुपीज में फुल विंडोज 10 का आपको मिलता है, 1 ईयर का, 1 ईयर का आपको माइक्रोसॉफ्ट का 365 का फुल वर्जन आपको यहाँ पे मिलता है। काफी कुछ मिलता है, जैसे एक नॉर्मल विंडोज आपको यूज करते हैं पीसी, आपको उस तरीके का यहाँ पे फंक्शन मिलता है। आप यहाँ पे जैसे कि स्टोर में जाते हैं तो स्टोर आपको एक्सबॉक्स का मिलता है। आप अगर अपने मोबाइल के टैबलेट के अंदर छोटे अच्छे खासे गेम्स खेलना चाहते हो तो एक्सबॉक्स का स्टोर मिलता है आपको विंडोज का। यहाँ पे आप जाके सारे गेम जो वो अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैमरा जो फाइनली आपको प्ले करके यहाँ पे जो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा एप्लीकेशन इस तरीके का आपको मिलता है, और एक स्टैंडर्ड कैमरा आपको मैं बोल दूंगा अभी भी इस तरीके का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम उसको यस कर लेते हैं और यहाँ पे जो पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो पिक्चर क्लिक हो गई है, अब पिक्चर जो यहाँ पे गैलरी में चले गई है आप देख सकते हैं, और ये जो पिक्चर आई है आप देख सकते हैं बहुत ही ठीक ठाक पिक्चर। और नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिन में तो 16 सा यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा और ठीक आ जाएगा। और चीज आपको मैंने बताना भूल गया कि डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर 1280 आपको जो वो मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में चले जाते हैं और रेजोल्यूशन में चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा था दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा था, लेकिन 1280x800 पिक्सल का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको और कुछ बताना नहीं है खास, आपको पता होगा तो आप कुछ और भूल गया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो में यही बताना चाहिए, 4,500 का अच्छा खासा विंडोज का टैबलेट मिल जाता है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक देता हूँ, आप खरीद लीजिएगा अपने बच्चे लोग के लिए या खुद के लिए भी सेकेंडरी आप यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा टैबलेट है, आपको फुल वर्जन मिलता है, कोई भी एप्लीकेशन आप इसके डायरेक्टली जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने जो एक आर्ट मुझे बना के दिया इस तरीके का, और बहुत सारे आपको मिलते हैं नीचे की तरफ देखेंगे तो टन्स एंड टन्स ऑफ आपको